भारतीय मुस्लिम कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को जान से मारने की धमकी दी गई और फौरी तौर पर उन्हें दिल्ली से मुंबई वापसी पर मजबूर कर दिया गया। जी हाँ, भारतीय कॉमेडियन और मशहूर रियलिटी शो बिग बॉस 17 के विनर मुनव्वर फारूकी को हाल ही में एक तकरीब में शिरकत के लिए दिल्ली गए थे, लेकिन वहां पर हुआ ये कि उनको धमकियां मिलना शुरू हो गई तो उन्हें फौरी तौर पर दिल्ली से मुंबई वापस लौटना पड़ा। भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुनव्वर फारूकी इंटरटेनर क्रिकेट लीग के लिए दिल्ली गए हुए थे, जहाँ उन्हें धमकियां मिलना शुरू हो गई, जिसके बाद वो मुंबई वापस चले गए। भारतीय पुलिस जराये का कहना है कि उन्हें धमकियों की इतला हफ्ते की रात मौसूल हुई। पुलिस हकाम का ये भी कहना था कि उन्हें स्टेडियम में सिक्योरिटी बढ़ाने की हिदायत दी गई थी, जहां दो मुकामी टीमों हरियाणवी हंटर्स और मुंबई डिस्पैचर्स के दरमियान मैच होने वाला था। पुलिस के मुताबिक मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। मजीद भारतीय मीडिया के मुताबिक तहाल मुनव्वर या BECL की इंतजामिया का इस जमन में कोई बयान सामने नहीं आया है। रिपोर्ट का ये भी कहना है कि इससे कबल इवेंट के एक और खिलाड़ी अलवेश को भी जान से मारने की धमकी दी जा चुकी है, जो मुनव्वर फारूकी की मुखालिफ टीम की तरफ से खेलने जा रहे थे, जिसके बाद स्टेडियम को खाली करा दिया गया था और दाखिली दरवाजे को भी सील कर दिया गया था। याद रहे कि मुनव्वर फारूकी एक अरसे से भारतीय हिंदू इंतहा पसंद तंजीम के निशाने पर भी हैं। अगर उनकी पेशा वराना जिंदगी का जायजा लिया जाए तो वो अब बिग बॉस 17 के बाद एक वेब सीरीज फर्स्ट कॉपी के जरिए एक्टिंग डेब्यू करने जा रहे हैं। मुनव्वर इसकी शूटिंग के लिए काफ़ी अरसे से मसरूफ़ हैं।